हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे अपने शॉमी के कौन से भी डिवाइस में यहाँ पर डुअल नोटिफिकेशन पैनल इनेबल कर सकते हैं, मतलब कि बॉटम स्टेटस बार यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी यहाँ पर क्विक टाइम यहाँ पर अपने कौन से भी यहाँ पर शॉमी के डिवाइस में यहाँ पर बॉटम स्टेटस बार यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर पूरा देख लीजिए, ताकि आपके समझ में आए किस तरह से अपने शॉमी के कौन से भी डिवाइस में बॉटम स्टेटस बार यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी यहाँ पर ऑन करके रख लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेप आपके फोन के ऊपर प्ले स्टोर का पेपर ओपन कर देना है और प्ले स्टोर पर आपको सिंपल टाइप कर देना है बॉटम क्विक सेटिंग। और दोस्तों जो एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, छोटी एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के यहाँ पर रिव्यू काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पहले से इस एप्लीकेशन के ऊपर इंस्टॉल करके रखा है, तो आपके यहाँ पर जो एप्लीकेशन है अपने मोबाइल में यहाँ पर इंस्टॉल करके रख लेना है। और दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपल उसको यहाँ पर ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद दोस्तों जो भी अपने स्टेप्स है यहाँ पर स्टेप्स फॉलो कर देने और साथ में दोस्तों जो भी अपनी परमिशन मांगे अपने फोन के ऊपर परमिशन एक्सेस कर देने उस एप्लीकेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया और दोस्तों स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपको यूजर इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्टेप आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन का देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस यहाँ पर इनेबल करने के लिए जो सर्विस नॉट रनिंग उस पर आपको क्लिक कर देना और उसके यहाँ पर एप्लीकेशन को इनेबल कर देना है और अपने मोबाइल से यहाँ पर परमिशन एक्सेस कर देना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आपको कस्टमाइजेशन का बहुत सारा कुछ सेटिंग देखने को मिल जाता है और जो एप्लीकेशन यहाँ पर प्रीमियम को ज़्यादा कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है, अगर आपको यहाँ पर परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको फ्री में कुछ यहाँ पर कस्टमाइजेशन का आपको फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप हैंडल के यहाँ पर कस्टमाइजेशन रख सकते हैं, उसके यहाँ पर विड्थ एडजस्ट कर सकते, उसके बाद दोस्तों उसकी जो हाइट है वो भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर नीचे देख सकते हैं फुल विड्थ हैंडल के ऊपर इनेबल करना है, यहाँ पर फुल विड्थ भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे देख सकते हैं हैंडल को हाइड कर देना, यहाँ पर हैंडल भी हाइड कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हैंडल के ऊपर पोजीशन भी आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रख सकते हैं बॉटम लेफ्ट या फिर राइट में, आपको जिस जगह आपको पोजीशन चाहिए उस जगह आप पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर पैनल की कस्टमाइजेशन की सेटिंग। साथ में दोस्तों नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लेआउट की यहाँ पर सेटिंग भी आपको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, कितने कॉलम चाहिए कितने रो चाहिए आपके यहाँ पर वो नोटिफिकेशन यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्टार्ट कर देना, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको जो भी बॉटम नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों इस नोटिफिकेशन पैनल में जो भी यहाँ पर आइकॉन से उस आइकॉन के ऊपर साइज यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा चाहिए या फिर स्मॉल साइज चाहिए वो भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन पैनल है उसके यहाँ पर कलर भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको प्रीमियम एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं बॉटम स्टेटस बार अच्छी तरह से यहाँ पर वर्क करता है कौन से यहाँ पर शॉमी के डिवाइस में, इसके लिए पर कोई भी यहाँ पर रूट करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में दोस्तों इस बॉटम स्टेटस बार के यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जितना रोज चाहिए जितना कॉलम चाहिए यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और जो भी यहाँ पर आइकॉन्स चाहिए वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पर बॉटम नोटिफिकेशन पैनल मतलब कि बॉटम स्टेटस बार आपको पसंद है अपने शॉमी के फोन में, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर डुअल नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, टॉप की तरफ से और बॉटम की तरफ से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बस यही शॉमी के फोन में यहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।